सो गाइस, क्या आप लोगों को पता है ये जो हमारी फोर्थ एनिवर्सरी थीम आने वाली है, ये आप लोगों को इरेंगल मैप के साथ साथ लिविक मैप के अंदर भी देखने के लिए मिलने वाली है। बट लिविक मैप के अंदर में क्या क्या चीजें ऐड करी गई हैं फोर्थ एनिवर्सरी के अंदर में, वो चीज अगर आप लोग जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लेना। सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, अभी के ये वीडियो के अंदर में हम लोग देखने वाले हैं फोर्थ एनिवर्सरी, जो कि हमारी लिविक मैप के अंदर भी आने वाली है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एनिवर्सरी मोड लिविक मैप के अंदर में भी आने जा रहा है। तो लिविक मैप के अंदर में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा फोर्थ एनिवर्सरी के अंदर, वही चीज आप लोग को ये वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा, जितने भी लोगों ने हमारी एरेंगल वाली वीडियो नहीं देखी, जिसमें गाइस साइकिल को भी ऐड कर दिया और भी काफी सारी चीजें एरेंगल मैप के अंदर आप लोगों को एनिवर्सरी मोड में देखने को मिलेगी। सो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाकर के उस वीडियो को भी देख लेना। तो चलिए गाइस, फटाफट से हम लोग देख लेते हैं हम लोग क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले गाइस, अगर स्पॉन आइलैंड की बात करें तो लिविक मैप में जब आप लोग एनिवर्सरी थीम को सेलेक्ट करके अंदर जाओगे गेम के, तो आप लोग को इस तरह का स्पॉन आइलैंड देखने को मिलेगा। एंड गाइस, ऊपर से पूरा का पूरा कवर किया हुआ है, और जैसा हम लोग को एरेंगल मैप में देखने को मिला था, सेम टू सेम उसी तरह का हमारा यहाँ पर भी स्पॉन आइलैंड बनाया गया है। बाकी सारी की सारी चीजें बिल्कुल सेम रहने वाली हैं। बाकी अगर आप लोगों ने एरेंगल वाला वीडियो नहीं देखा है तो इधर देख सकते हो, कुछ इसी तरह का सेम टू सेम आप लोग को स्पॉन आइलैंड देखने को मिलेगा एरेंगल मैप में और साथ में लिविक मैप के अंदर में। बाकी मैप में काफी कम चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, क्योंकि देखो लिविक मैप छोटा है, एरेंगल बड़ा है, इसलिए उसमें ज्यादा चीजें ऐड करी गई हैं, इसमें थोड़ी सी कम चीजें ऐड करी गई हैं। लेकिन गाइस, जो हमारा एंसेंट टेंपल रहने वाला है वो आप लोगों को यहां पर भी देखने को मिलेगा, और जिस तरह से एरेंगल मैप के अंदर में काम कर रहा था सेम टू सेम उसी तरह से यहां पर भी काम करने वाला है। लेकिन जो हमारा पहले टेंपल वाला जो अपडेट आया था एंसेंट टेंपल वाला, उस तरह से काम नहीं करेगा। उसमें क्या होता था, नीचे पहले हम लोग उतरते थे फिर टेंपल ऊपर जाता था, ऐसा अब नहीं होगा। अगर आप लोगों को इस टेंपल पर आना है तो प्लेन से उतरते टाइम डायरेक्टली आप लोग इसके ऊपर उतरना पड़ेगा, तभी जाकर के आप लोग यहां पर पहुंच पाओगे। और यहां का सेम कॉन्सेप्ट मिरर वर्ल्ड की तरह होने वाला है, अगर आप लोग यहां पर किल हो जाते हो तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप लोग ऊपर हवा में चले जाओगे। फिर अगर आप लोग वहां किल हो जाते हो तो आप लोग नीचे की तरफ में आओगे, और उसके बाद भी आप लोग इधर रिकॉल का भी सिस्टम मिलेगा, जिसको आगे मैं दिखा दूंगा। उसके अंदर फिर आप लोग दोबारा से रिकॉल हो जाओगे, तो आप लोग अच्छी खासी केडी इधर से बढ़ा सकते हो, और साथ में आप लोग अच्छे खासे इधर से किल भी निकाल सकते हो। बाकी आप लोग इधर देख सकते हो, सेम टू सेम हमारा वही टेंपल है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, जितनी भी हमारी मम्मी वगैरह या फिर जो भी चीजें अंदर बनाई गई थी वो हटा दी गई है, और इधर थोड़ा सा टच दिया गया है हमारा फोर्थ एनिवर्सरी वाला, इसलिए आप लोग को जगह जगह पर येलो कलर देखने को मिल रहा है। इसके बाद गाइस आती है हमारी नेक्स्ट लोकेशन, जो कि आप लोग इधर देख सकते हो मैप के अंदर आप लोगों को ब्लू कलर से नजर आ रही होगी। यहाँ पर बेसिकली पूरा कैसल बनाया गया, जो कि हमारे प्रीवियस अपडेट के अंदर में आ चुका है, लेकिन यहाँ भी उतरने का सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग यहाँ उतरना चाहते हो तो आप लोग को प्लेन से डायरेक्टली यहाँ पर जंप करना पड़ेगा, नीचे से आप लोग ऊपर नहीं आ सकते, इस बात का आप लोग खास ध्यान रखना। बाकी ये जो कैसल है, थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हो। बाकी यहाँ पर कुछ टच आप लोग को देखने को मिलेगा फोर्थ एनिवर्सरी वाला। बाकी यहाँ पर आप लोग कुछ कलरफुल कॉइन मिलेंगे। अब ये जो कलरफुल कॉइन समझना, येलो का काम अलग है, पिंक का काम अलग है, सब कॉइन का काम बिल्कुल सेम रहने वाला है। बाकी जो हमारे कॉइन है वो सारे के सारे सेम काम करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग एक शॉप का भी बटन देखने को मिलेगा, अभी थोड़ी देर में उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी आप लोग इधर देख सकते हो कैसल पर कुछ इस तरह का पूरा ओवरऑल लुक आप लोग को देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग को एक शॉप का जो बटन देखने को मिलेगा मैप के साइड में, आप लोग सारे कॉइन यहाँ पर शो हो जाएंगे, और इस तरह की शॉप आप लोग को इस बार देखने को मिलेगी। एंड गाइस, ये वाली शॉप जो है वो काफी कमाल की, क्योंकि इसमें हम लोग कहीं से भी कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं आइटम को, हमें किसी भी शॉप के ऊपर में नहीं जाना पड़ता है, बस हमारे पास में कॉइन होने चाहिए। लेकिन अगर आप लोग टेंपल पर हो या फिर ये वाले कैसल पर हो तो आप लोग कोई भी सप्लाई नहीं मंगा सकते हो। सप्लाई मंगाने के लिए आप लोग को सबसे पहले नीचे उतरना पड़ेगा लैंड पर, जब भी जाकर के आप लोग कुछ भी सप्लाई वगैरह मंगा सकते हो। और गाइस, लिविक मैप के अंदर में कुछ ऐसी सीक्रेट लोकेशंस होंगी जहां पर आप लोग कुछ इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। ये मैप में विजिबल नहीं होगी, लेकिन जब आप लोग घूमते फिरते रहोगे तो आप लोग ये चीजें मिल जाएंगी। बाकी इधर एक बहुत कमाल की एनिमेशन निकल करके आती है, जो मैं आप लोग इधर से दिखा देता हूँ। जब आप लोग इधर आओगे तो यहाँ पर आप लोग को एक इस तरह की एक लोकेशन देखने को मिलेगी मिड स्टेन के पास में, कुछ इस वाले लोकेशन पर। यहाँ पर आने के बाद गाइस आप लोग छोटा सा इधर एक बटन देखने को मिलेगा, जब आप लोग इधर आकर के एक्टिवेट करोगे तो सामने देख सकते हो हमारे एंसेंट टेंपल जो है वो ऊपर की तरफ में उड़ जाएगा, थोड़ी सी ऐसी एनिमेशन करेगा। ये आप लोगों को फिर उसके बाद में क्रेट देकर के जाएगा, जब आप लोग इस क्रेट को ओपन करोगे तो यहां से आप लोग को अच्छी खासी लूट मिल जाएगी। बाकी गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर भी आप लोगों को रिकॉल टावर देखने को मिलेंगे, जहां पहले रिकॉल टावर थे वहीं पर आप लोगों को अभी भी रिकॉल टावर देखने को मिलने वाले। ये थी गाइस हमारी पूरी की पूरी वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चलिए गाइस, अभी के ये वीडियो में सिर्फ इतना ही।